अब देश के छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर को लेकर असम सरकार और महाराष्ट्र के विरोधी पार्टियों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। असम सरकार ने देश के छठे ज्योतिर्लिंग पर दावा करते हुए एक विज्ञापन जारी किया है, जिसके बाद ये विवाद बढ़ गया और अब कांग्रेस और एनसीपी के साथ साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना ये कह रही है कि पहले महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट चुराए जा रहे थे और अब महाराष्ट्र से भगवान भी चुरा रही है बीजेपी। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिनी महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमाशंकरम। इस मंत्र के मुताबिक भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग बताए गए हैं, जिनमें सौराष्ट्र यानी गुजरात में सोमनाथ, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर मल्लिकार्जुन। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है, अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल, मध्य प्रदेश में ही ओमकारेश्वर, झारखंड में वैद्यनाथ धाम और महाराष्ट्र के डाकिनी में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है। इनके अलावा 6 और ज्योतिर्लिंग है, तमिलनाडु में सेतुबंध पर रामेश्वरम, गुजरात के नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश में विश्वेश्वर यानी काशी विश्वनाथ, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, उत्तराखंड में हिमालय पर केदारनाथ और घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है, यानी सबसे ज्यादा 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। पुणे के पास भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग 6 नंबर पर आता है, लेकिन ऐसे में जब पूरे देश में महाशिवरात्रि की तैयारियां चल रही हैं, तब असम सरकार के एक विज्ञापन से विवाद खड़ा हो गया है। असम सरकार के विज्ञापन में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को असम के कामरूप में बताया गया है। 14 फरवरी को जारी इस विज्ञापन में असम के हेमंत बिस्व शर्मा सरकार ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों को महाशिवरात्रि के पर्व पर असम आने का न्योता दिया है। विज्ञापन में लिखा है, असम के कामरूप में दाकिनी हिल्स में देश के छठे ज्योतिर्लिंग पर आपका स्वागत है। छठे ज्योतिर्लिंग पर दावा करने वाला असम सरकार का विज्ञापन पूर्वोत्तर के अखबारों में छपा, लेकिन इसका असर पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में दिखाई दिया। विज्ञापन को लेकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बीजेपी पर हल्ला बोल दिया। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने ट्वीट कर महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है, तो एनसीपी और शिवसेना ने कहा कि जगजाहिर है कि छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र के पुणे में है, फिर असम सरकार ने ऐसा विज्ञापन क्यों जारी किया? क्या बीजेपी प्रोजेक्ट हथियाने के बाद अब भगवान को भी चुराने वाली है? मैं समझता हूँ लोगों की आस्था को ठेस पहुँचाने का अधिकार असम की सरकार को बिल्कुल नहीं है, और ऐसे प्रकार के वाद निर्माण करके लोगों के दिमाग में नई संघर्ष की भूमिका रखने का जो प्रयास भाजपा का, चाहे वो आसाम का सरकार हो या महाराष्ट्र का सरकार हो, और मैं तो कहूँगा कि महाराष्ट्र की सरकार ने अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए इसके बारे में। भीमाशंकर आसाम को क्यों प्यारा लगने लगा है? सैकड़ों वर्षों से महाराष्ट्र में भीमाशंकर है और आज तक किसी ने ये जरूरत नहीं की। अब ये ईडी की सरकार है, ये गुजरात में एक के बाद एक प्रकल्प जो है वो गुजरात भेज रहे हैं महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश या कल एमपी में भी जा सकते हैं, और एक दिन अगर यही सरकार रही ईडी सरकार तो एक दिन ऐसी भी नौबत आएगी कि कल कोई महाराष्ट्र को भी क्लेम कर लेगा कि महाराष्ट्र भी हमारा है। अभी गुजरात सरकार ने महाराष्ट्र के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर दावा किया उनके इलेक्शन के वक्त, कर्नाटका सरकार ने महाराष्ट्र के जमीन पर दावा किया, आसाम में 26 में इलेक्शन होने वाला है, अभी उन्होंने तो डायरेक्ट मंदिर पे, जहाँ पे हम जाके नतमस्तक होते हैं, भीमाशंकर स्थित जो शिवलिंग है वो महत्वपूर्ण नहीं है, उनके पास जो मंदिर है वो 12 ज्योतिर्लिंग में आता है, ऐसा उन्होंने कहा। इन दलों का इशारा 22,000 करोड़ के टाटा एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट
और 1.63 लाख करोड़ के वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट को लेकर था, जिन्हें पिछले साल ही महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट किया गया था। लेकिन यह सवाल बड़े प्रोजेक्ट से अलग भगवान पर है, भगवान के ज्योतिर्लिंग पर है। यही वजह है कि विवाद बढ़ गया है। महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार से कांग्रेस मांग कर रही है कि वो इस मामले में अपना पक्ष रखे और असम की बीजेपी सरकार के इस एक्शन की आलोचना करे, जिसने महाराष्ट्र के 12 करोड़ लोगों और सभी देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अब जब मामले ने तूल पकड़ा तो खुद बीजेपी भी मान रही है कि छठा ज्योतिर्लिंग असम में नहीं महाराष्ट्र के पुणे में है। साथ ही बीजेपी विरोधी दलों पर बेवजह है बिना जानकारी के इस मामले में सियासत करने का आरोप भी लगा रही है। महाराष्ट्र के विपक्ष की ओछी राजनीति देखिए, सांसद सुप्रिया सुले हो, कांग्रेस के नेता हो या श्रीमान आदित्य ठाकरे हो, पूर्णतः अधूरे अध्ययन पर भीमा शंकर ये पवित्र ज्योतिर्लिंग पर बयानबाजी कर रहे हैं। बयान देने का आपको अधिकार है, पर कम से कम जानकारी तो लेते। केंद्र सरकार का दिसंबर 2021 का सर्कुलर है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है, अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं, जिसमें पूरी तरह से दर्ज है कि भीमा शंकर यह पवित्र ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर है। ज्ञापन से तथ्य एवं सत्य बदल नहीं सकता। भीमा शंकर यह छठवां ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में ही है और केंद्र सरकार के पास भी यही रिकॉर्ड है। इसलिए आसाम सरकार के इस प्रकार का विरोध ही किया जाएगा, लेकिन महाविकास आघाड़ी के जो लोगों ने 2 साल तक हमारे देवी देवताओं को जबरन बंद करके रखा, आज वो मंदिरों की बात कर रहे हैं, ये तो सो चूहे खाके बिल्ली चली हज, ऐसा ही प्रकार है। सरकारी रिकॉर्ड में भी महाराष्ट्र के पुणे में ही छठे ज्योतिर्लिंग का जिक्र है, लेकिन बावजूद इसके असम सरकार के पर्यटन विभाग ने अपने तथ्यों के आधार पर जो विज्ञापन प्रकाशित किया है, उस पर 2 राज्य अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।